चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3rd के बारे में, जीवन 3 के बारे में। तो इसमें हमें फर्स्ट अध्याय देखना है। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग भारतीय संविधान के बारे में। पहला अध्याय हमारा क्या है? भारतीय संविधान। याद रखिए, अब हम लोग बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण बुक्स रहने वाले हैं, जो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इनमें, ठीक है? तो यही हमारे लिए मेन बुक्स होंगी, जरूरी हैं जो, ठीक है? तो इसमें हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। याद रखिए, एक बार आप लोग नॉर्मल तरीके से बिल्कुल धैर्य रखकर अच्छे से पढ़िए, आपका 80 से 85% अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएंगे, कितना भी कमजोर आप क्यों ना हो, ठीक है? क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं मिलेगा जिसकी परिभाषा आप ना समझ सकें, जो आपको समझ में ना आ सके। तो बड़े धैर्य के साथ पढ़िए, ठीक है? इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा इस खेल को। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोल कीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाहें से नहीं छू सकता है। अगर किसी खिलाड़ी की बाहें गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या फिर गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो इस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इस तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ अपने नियम होते हैं तय। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं और वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे हम लोग संविधान कहते हैं। चलिए, हमें खिलाड़ी भी बना दिया इसी अध्याय में। तो याद रखिए, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप भारत के आम आदमी के, यानी कि भारत में रहते हैं, तो आपको ये जरूरी है कि जाने भारत का संविधान, जाने उसके क्या नियम है उन्हें भी जाने। कक्षा 6वीं और 7वीं में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा है? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की कुछ बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसी देश को संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? याद रखिए, किसी देश को, कोई भी देश हो, उसे संविधान की या नियमों की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है? आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रख सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करती है
जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल की। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः आपकी दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। आगे पेस्ट में जो चित्र दिखाई दिया, चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है, किया गया है संविधान सभा के कुछ सदस्य। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष में से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेपाल में ये आपका नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी कि 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच गया था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी 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 मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद आपका नेपाल में लोकतंत्र बना। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर चित्रों में दिए गए हैं आपको, ठीक है। अपने शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटनाएं। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था। याद रखिए राजतंत्र मतलब राजा का शासन, गणतंत्र मतलब गढ़ का शासन यानी कि जनता की भागीदारी। वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन या जन आंदोलन करते चले आ रहे हैं। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे, जिनके लिए वे लड़ते रहे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में
अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया है था कि देश के शासन की बात तो राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या फिर राज्य व्यवस्था चुनी वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में अपनी नेता खुद चुनते लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्र कथा पट्ट में देखा जा सकता है। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहते हैं। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ, लेकिन मैंने क्या किया? जब आप कक्षा से बाहर हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं मानी। अनिल आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगी कि मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बात करते हैं यहाँ के लोकतांत्रिक समाज में प्रयास संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सके। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए। क्या आपको कक्षा 7वीं की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव भी कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहां आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। नीचे दिए गए चित्र कथा पट्ट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया। ये खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलें। चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। हाँ हाँ, हम जीत गए। यह तो होना ही था। लड़कों की संख्या कक्षा में ज्यादा है। हमें सदा ही वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। देखा होगा आपने जाति, अभी भी करंट में आपके कोई नेता होते हैं वो पर्टिकुलर एक मतलब जाति के होते हैं, ठीक है? वहाँ जो भी कम जाति रहती है या अल्पसंख्यक रहते हैं उन्हें दबा के रखा जाता है, ठीक है? तो इसी तरह का ये भी खेल। इस तरह के स्वस्थ अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा हो सकते हैं जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है, उनका नुकसान होता है। जैसा कि चित्रकथा कथा पट से पता चलता है कि बहुमत
कि निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जैसे अंतर समुदाय वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंता सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा सामुदायिक वर्चस्व, इंट्रा कम्युनिटी। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह आवाज़ सुनने में जरा अजीब लगती होगी, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। संविधान में हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे आपकी चित्रकथा या पट को देखिए। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की कक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ना है, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, इसे देखे बिना नहीं रह सकती। अगर ऐसा करती तो ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाई। शबनम ठीक है, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? शबनम यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी इनकी कक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो शबनम का भी, शबनम बोल रही है, टीवी देखने का मन कर जरूर करेगा। वो शबनम एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो अब तब शायद शबनम भी मन लग नहीं लग जाएगा। अच्छा हुआ मैंने कल टीवी टेलीविजन नहीं देखा, शबनम बोल रही है। उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए। आगे बात करते हैं, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फिर फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहल कर लोग बहुधा इस बात को महसूस कर नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह कि उन बात से बचाता है या ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकार का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ पाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों से जो जुड़े मूलभूत नियमों में तालिका है। उदाहरण, नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान बनाया। ये ऐसे आदर्श हैं जिनसे पता चलता है कि हम किस तरह शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें। इस बात को समझें कि उपयुक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों नियमों के रूप में किस तरह ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, इसमें प्रत्येक नागरिक को
उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों से ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती थी। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई। सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। याद रखिए, कुछ भी कहिए, हम लोगों से विकसित सोच थी उनकी, हमारे पूर्वजों की। अब देखिए, अभी से आप लोग 1950 में संविधान बनाया, 49-50 के करीब, आज उन्हें तब पता चल गया था कि ये आगे मुश्किलें आएंगी लोगों के सामने, तो उन्होंने संविधान में वो प्रावधान दल बदल देख लीजिए, हमारे मूल अधिकार देख लीजिए कि हमें ऐसे मूल अधिकार की जरूरत पड़ेगी, तो सभी उन्होंने तभी प्रावधान रख दिए थे। ये तो सोचना पड़ेगा। आगे बात करते हैं संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना ही एक धर्म और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारे देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थीं कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगे। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपयुक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। बाबा देख लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों को से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। बात करते हैं संघवाद, फेडरलिज्म। इसका मतलब होता है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें और केंद्र स्तर पर भी। पंचायत राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7वीं की किताब ने आपने राज्य सरकार के कामकाज को भी देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना ले सकें। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई, ताकि इलाकों के हिसाब से अलग
फैसले भी लिए जा सके। भारत के संविधान भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के समिति लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी, तो सभा के सदस्य एके अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशल क्षेम जीवन स्तर और सुविधा और बेहतर जीवन की स्थिति को प्रोत्साहन देगी। अब बात करते हैं हम लोग संसदीय शासन प्रणाली या पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा सातवीं की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने की बना दिया, जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है, वोट डालने के हकदार हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग औरत मर्द के फर्क पर भी आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि निधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इस पुस्तक की दूसरी इकाई और मैं और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। याद रखिए, ये आपके सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो आपकी विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, न्यायालयों यानी कि न्यायपालिका की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, न्यायालय की व्यवस्था को। ठीक है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई तीन में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया, जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा ही की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। बात करते हैं इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। किसका? राज्य का। इसका मतलब होता है राज्य सरकारों से नहीं है, इसका मतलब आपका जो राज्य सरकारें हैं उससे बिल्कुल भी नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसी सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना,
लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है, पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय संविधान की एक लोकतांत्रिक सरकार है और सरकार यानी कि कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के इस्तेमाल स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। जो मौलिक अधिकार दिए गए उसे क्या कहते हैं? संविधान की अंतरात्मा। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों में के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य, पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व भी कभी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। जो आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं इन्हें लागू करना अनिवार्य होता है। जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं इन राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर वो लागू करना चाहें तो कर सकती है, अगर नहीं चाहें नहीं कर सकती। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ आपके कुछ भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के में से कुछ अधिकार हैं। समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामलों में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा को भी उन्मूलन कर दिया गया। याद रखिए, आपका ये संविधान तो आ गया 49 में, लेकिन उसके बाद आपको पता होगा सिविल अधिकार आपका जो 1955 में आया, फिर ST SC एक्ट आया 1989 में, तो उसके बाद भी चलता रहा ये कार्यक्रम। तो एक्ट लाकर भी NSM खत्म करने का प्रावधान लाया गया, ठीक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार शामिल है, ठीक है। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है। फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। फिर आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं।
आपका संविधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में भी जा सकता है। याद रखिए संपत्ति का अधिकार भी आपका शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में उसे हटा दिया गया। तो अब आपके 6 अधिकार हैं। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित, यहाँ कुछ दिया गया है, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूर करता है तो याद रखना आपका ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। यदि किसी राज्य को कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो ये समानता का। और यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह आगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारी। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारियों को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, यह आपका आएगा स्वतंत्रता का, सॉरी समानता का अधिकार। ठीक है, बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता। इन्हीं शब्दों की हमें परिभाषा जाननी है क्योंकि ये आगे हमें देखने को मिलेंगे, तो वहाँ इनकी परिभाषा नहीं दी गई होगी, तो इसलिए हमें यही समझ लेना होगा इन्हें। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाती है वहां देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं, वहां लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नया संविधान की जरूरत भी पैदा हुई। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्याय में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। उपयुक्त तस्वीर ये देख रहे हैं आप, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में आपके संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे निचले वाले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और उनके पीछे श्री जीवन राम श्रम मंत्री थे, देख लीजिए। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र तस्वीरें बनाई। तो चलिए, ये था आपका पहला चैप्टर भारतीय संविधान के बारे में। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए, लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर टेलीग्राम पर आपकी पीडीएफ डाल दी गई है तो वहां से डाउनलोड कर लें। ठीक है, देख लीजिए, जम्मू कश्मीर दो भागों में बट गया है 2019 में। ठीक है, याद रखना, ये आपका प्यारा भारत है, यहाँ पाकिस्तान हो गया, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और ये आपका म्यांमार, ये आपका नीचे श्रीलंका। अपने जितने भी राज्य हैं उन्हें एक अच्छी तरह से याद रख लीजिए क्रम से। ठीक,
जिससे आपका कोई भी क्वेश्चंस आता है तो छूटे हैं। मनमानापन, यहाँ परिभाषाएं दी गई हैं कुछ शब्दों की, उन्हें भी देख लीजिए। जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद या नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहते हैं। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हो, जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं हो, उसे ही मनमाना कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि तुम तो अपनी मनमानी कर रहे हो, ठीक है? तो यही वही मनमानापन है। मनमानापन आदर्श, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गई थी। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस आंदोलन को और अच्छी तरह जानेंगे। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्थित है। संप्रभु, इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। मानव व्यापार, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैरकानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैरकानूनी खरीद फरोख्त से, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। फिर आपका निरंकुशता, इसका मतलब सत्ता है या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से, ठीक है? दूसरा चैप्टर हमारा होगा धर्म निरपेक्षता की समझ।